कामदारा प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित राजकीय बुनियादी विद्यालय कामदारा परिसर की बंजर जमीन पर स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्रों के सहयोग से आज कई तरह की सब्जियां लहला रही हैं और ये सब्जियां स्कूली छात्रों को मध्याह्न भोजन योजना में परोसी जाती है। ये एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है। गर्मी के समय से ही स्कूल में शिक्षक व छात्रों के योगदान से खाली समय में मेहनत कर आज बंजर पड़ी जमीन को सब्जियां से हरी भरी कर दी गई है। वर्तमान समय में स्कूल में भिंडी, बोदी, कोहड़ा, हरी मिर्च समेत कई प्रकार की सब्जियां देखने को मिल रही है। विद्यालय की प्रभारी एचएम सुमन कुमारी गुप्ता ने बताया कि स्कूल परिसर की खेती में देशी खाद का प्रयोग किया जाता है और सबों के सहयोग से खेती की जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम सुमन कुमारी गुप्ता है। मैं राजकीय बुनियादी विद्यालय कामदारा में प्रभारी प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे विद्यालय में कुल 5 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं एवं 117 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। हम सभी शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं ने मिलकर एक छोटा सा प्रयास किया और हमने हमारे विद्यालय में एक छोटा सा किचन गार्डन तैयार किया है। वह एक बंजर भूमि थी, किंतु हमारी मेहनत हमारा प्रयास सफल रहा। आज हमारे किचन गार्डन में गोभी, भिंडी, मिर्ची आदि अनेक प्रकार की सब्जियाँ उपजाई जाती है और हमारे विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन का खाना बनता है उसमें हमारे किचन गार्डन की सब्जियों का ही प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।